हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मुस्लिम लॉ की सीरीज। अपने आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। अपने लास्ट लेक्चर लेक्चर 3 में हमने डिस्कस कर लिया था प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। देखते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को, जो कि क्या हैं, 4 हैं। फर्स्ट, उर्फ, जिसे कि रिवाज अथवा रूढ़ी कहते हैं, मीन्स कस्टम। सेकेंड है लेजिस्लेशन, विधायन। थर्ड है न्यायिक निश्चय, जुडिशल डिसीजन। और लास्ट है हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, न्याय, साम्य और सद्विवेक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उर्फ अथवा रिवाज और रूढ़ी को। कस्टम क्या है? जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था तो हमने देखा कि रूढ़ी वो है जो कि प्राचीन समय से प्रचलित है। ठीक है जी, प्राचीन समय से कोई एक आदत है जो लगातार लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। ओके, और वो क्या है? निरंतर है, लोकनीति के विरुद्ध नहीं है। ठीक है जी, क्या है? लोकनीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए और लगातार प्रयोग की जानी चाहिए एक आदत। तो वो क्या कहलाती है? वो रूढ़ी या प्रथा कहलाती है। और मुस्लिम विधि में रूढ़ी का भी सामान्यतः वही प्रभाव है जो कि इज्मा का है। इज्मा क्या था? विधि शास्त्रियों का मतैक्य इज्मा कहलाता था। ठीक है, लेकिन जो रूढ़ी होनी चाहिए, रूढ़ी वही मान्य मानी जाएगी जो कि विधि के विरुद्ध ना हो। ठीक है, कि रूढ़ी विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा ऐसी रूढ़ियों को समाप्त कर दिया गया जो कि विधि के विरुद्ध थी। ठीक है, क्लियर हो गया कि उर्फ, रिवाज अथवा रूढ़ी क्या है? एक आदत जो प्राचीन समय से लगातार प्रयोग में लाई जा रही है, लोकनीति के विरुद्ध ना हो। ओके, वो क्या कहलाएगी? रूढ़ी कहलाएगी। ये सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की का क्या है? फर्स्ट सोर्स है, सेकेंडरी सोर्सेज में फर्स्ट सोर्स है मुस्लिम लॉ का। इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्या है? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स विधायन। विधायन क्या? संसद के द्वारा बनाई गई विधि। जैसे हमने हिंदू लॉ में पढ़ा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये सभी क्या हैं? ये लेजिस्लेशन के द्वारा बनाई गई विधि हैं जो कि कोडिफाइड कर दी गई हैं। संसद के द्वारा क्या कर दिया गया? कोडिफाइड कर दिया गया, इनका एक्ट बना दिया गया। इसी प्रकार से मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी विधायन लेजिस्लेशन के द्वारा कुछ एक्ट को कोडिफाइड कर दिया गया। ठीक है जी, और से संसद द्वारा पारित कर लिया गया। अब ये कौन कौन से एक्ट हैं? फर्स्ट, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो कि किसके द्वारा बना दिए गए हैं? मुस्लिम विधि में लेजिस्लेशन के द्वारा बना दिए गए हैं। और कौन से हैं? जैसे कि वक्फ मान्यता अधिनियम 1939 भी है। ओके, ठीक है, इसके बाद में कौन सा है? सेकेंडरी सोर्सेस। थर्ड है न्यायिक विनिश्चय या फिर जुडिशल डिसीजन। अब जुडिशल डिसीजन क्या है? जुडिशल डिसीजन मींस जो कि न्यायालय ने पहले कोई निर्णय दे दिया है, वो क्या है? वो जुडिशल डिसीजन है। और इसका क्या है? मींस पूर्ण निर्णय है। पूर्ण निर्णय का आगे आने वाले जो भी केसेस हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि अभी कौन सा केस आया था, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2018 का केस आया, जिसमें क्या कहा गया? जिसमें कहा गया कि ट्रिपल तलाक क्या है? अवैध है। ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो आज के बाद 2018 में जब ये केस डिसाइड हुआ, उसके बाद में जितने भी केसेस आएंगे ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, तो हम लीडिंग केस है हमारे पास सायरा बानो बनाम भारत संघ का, और हम बता देंगे कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, तलाक उल बिद्दत को क्या कर दिया गया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ऐसे ही सबनम हाशमी बनाम भारत संघ में दत्तक लेना क्या कर दिया गया? बता दिया गया कि दत्तक लेना क्या है? अल्टरनेटिव है। और कौन सा केस है? जैसे सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का केस है, जिसमें क्या बताया गया कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, ओके, ये हुआ हमारा
थर्ड सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, सेकेंडरी सोर्स। इसके बाद है लास्ट, कौन सा है? न्याय, साम्य और सद्विवेक, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस क्या है? अब ये भी क्वेश्चन आता है। तो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है जजेस के सामने जिसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, है ना? हमने सारे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ देख लिए लेकिन उसके बाद भी उसका आंसर नहीं मिल पाया, तो क्या करेंगे? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का प्रयोग करेंगे कि क्या करेंगे कि जज को कह दिया जाएगा, ठीक है, जजेस क्या करेंगे? साम्य का, न्याय का और सद्विवेक का प्रयोग करते हुए कोई डिसीजन देंगे, ठीक है? कि मीन्स क्या करेंगे? उदार, उदार क्या करेंगे? उदार निर्णय देंगे, अपने साम्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जस्टिस का प्रयोग करेंगे, न्याय देते हुए काम करेंगे और अपने सद्विवेक का, गुड कंसाइंस का प्रयोग करेंगे। ओके, ये हो गए हमारे कंप्लीट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं मुस्लिम विधि के स्रोत? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स में कौन कौन से हैं? कुरान है। कुरान क्या है? अल्लाह की वाणी है। इसके बाद है सुन्नत और अहादीस, जो क्या है? मोहम्मद साहब की परंपराएं हैं। कैसी परंपराएं? जिन्हें मोहम्मद साहब ने वचन, कर्म और मौन के द्वारा सहमति दी थी। इसके बाद है इजमा। इजमा क्या है? विचारों का मतेक क्या है? किसके विचारों का मतेक क्या है? या तो मोहम्मद साहब के साथियों का इजमा होगा कि मोहम्मद साहब के जो साथी थे उनका क्या हो, उनके विचारों का मतलब क्या हो, वो विचारों में एक साथ एक बात पर डिसीजन देते हों, या विधिवेत्ताओं का इजमा हो या फिर जनता का इजमा हो। इसके बाद है लास्ट प्राइमरी सोर्स में क्यास। क्यास क्या है? तर्क के आधार पर कोई डिसीजन देना। ओके, जहां पर किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कुरान में बात नहीं मिली और हदीस में बात नहीं मिली, इजमा में नहीं मिला, तो उसका तर्क के आधार पर डिसीजन दे दो, तो ये है क्यास। इसके बाद है सेकंड, सेकेंडरी सोर्सेज, जो क्या है? गौण स्रोत है। कौन कौन से हैं? उर्फ, रिवाज अथवा रूढ़ी हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो रूढ़ियां प्रचलन में है, लगातार प्रचलित हैं, निरंतर प्रयोग में लाई जा रही हैं और लोक नीति के विरुद्ध नहीं हैं। ओके, और उनका अस्तित्व भंग ना किया गया हो। सेकंड क्या है? विधायें, लेजिस्लेशन, संसद के द्वारा बनाई गई विधियां हैं, जो कि किसने बनाई है? पार्लियामेंट ने बनाई है, एक्ट में बना दी है, कोडिफाइड कर दी गई हैं। इसके बाद है न्यायिक निश्चय, मीन्स जुडिशल डिसीजन की पूर्ण निर्णय, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं, वो लीडिंग केस में आते हैं और उनका सबोर्डिनेट सभी जो कोर्ट होते हैं उनके द्वारा अनुसरण किया जाता है। ओके, इसके बाद है लास्ट इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, न्याय, साम्य और सद्विवेक। ये हो गए हमारे कंप्लीट प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।